हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहीन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट रेसिपी, एग एंड चीज़ सैंडविच। बहुत ही हेल्दी है। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करके उसको इसी प्रोसीजर से बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एग एंड चीज़ सैंडविच की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें मैंने 2 अंडे तोड़ लिए हैं। इससे मैंने 3 एग एंड चीज़ सैंडविच बनाकर तैयार किया था। 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत एनहांस होकर आता है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, आप हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर सकते हैं। 1 पाव छोटा चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर, आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड किया है और हरा धनिया बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे। प्याज, टमाटर और हरी शिमला मिर्च ऐड की है मैंने, आप लाल और पीली वाली शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत एनहांस होकर आता है। सारी चीज़ों को आपने बीट कर लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ये रेडी हो गया है, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 रेगुलर ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल किया था। अगर आप बड़े वाले ब्रेड स्लाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो सैंडविच वाले होते हैं, तो आपने 3 अंडों का इस्तेमाल करना है। इसका जो सेंट्रल पोर्शन है उसको मैंने इस तरह से स्क्वायर कट करके निकाल लिया था। तो सारे हम इसी तरह कट करके निकाल लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको राउंड में भी कट कर सकते हैं, किसी भी कटर या बाउल की हेल्प से सेंट्रल पोर्शन राउंड कट करके निकाल सकते हैं। बस ये रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमने सैंडविचेस बना लेने, तो गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन चढ़ा लिया है। पैन के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल ब्रश कर लिया है। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ्लेवर भी एनहांस होकर आता है। यहाँ पे जो एजेस मैंने लिए थे उसको अरेंज कर लिया है। अब जो अंडों का मिक्सचर है उसको बीट कर लेते हैं और उसको हम पोर कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना है हमने, बस जितना उसमें आ जाए अंदर तक उतना ही आपने भर लेना है। अब मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मोज़रेला या ग्रेट करके प्रोसेस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ स्लाइसेस से इस तरह से कवर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ स्लाइसेस में 3 सैंडविचेस बनाए थे। जो बचा हुआ अंडे का मिक्सचर है वो यहाँ पर इस तरह से पोर कर लेते हैं और उसको कवर कर लेते हैं। अब जो अंदर के स्लाइसेस हमने कट किए थे ब्रेड के, वो हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे इसके ऊपर। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए ये पूरे प्रोसेस में, वरना नीचे से जल सकता है। बस जैसे ही थोड़ा सा अंडा फॉर्म हो जाए तो ऊपर के स्लाइसेस को प्रेस करके इस तरह से अंदर एडजस्ट कर लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल और बटर का ब्रश कर लेना है, ताकि दूसरे तरफ से भी इसको कलर अच्छा आए। और इसको हम पलट लेते हैं। तो दोनों तरफ से इसको हमने अच्छा क्रिस्प कर लेना है। मैंने यहाँ पर बड़े पैन का इस्तेमाल किया था, तो 3 से 4 आराम से आप एक टाइम पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। सुबह के टाइम पर जब आपके पास वक्त नहीं है, तो इस तरह से आप एग एंड चीज़ सैंडविच बनाकर बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। बच्चे बड़ों सबको ये बहुत पसंद आती है। तो बस ये दोनों तरफ से टोस्ट हो गई है, तो ये रेडी है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको आप टोमेटो केचप के साथ रिलिश कर सकते हैं। ये ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अंदर से हमने चीज़ ऐड किया तो चीज़ मेल्ट होने की वजह से ये बहुत ही चीज़ी और बहुत ही यमी लगती है। मैं आपको इसका टेक्सचर अंदर से कट करके भी दिखा देती हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।